सरकार के कश्मीर से धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रायपुर में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के फैसले के बाद जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया, जिसके बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पहुंचकर भी आतिशबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए नजर आए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कराया है, माननीय अमित शाह जी ने कराया, उनके पूरे टीम ने कराया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ पूरे देशवासियों को। बधाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और अमित शाह जी को धन्यवाद। बहुत आज सही मायने में भारत देश को आजादी मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देश को बधाई। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद पहला कोई आंदोलन हुआ था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेगा, ये नारा लगाकर और बलिदान दिया गया था। वो हमारा स्वप्न था, उस स्वप्न को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत 370 हटा जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाने के बाद जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच कर आतिशबाजी कर जेएनयू इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक दूसरे 15 अगस्त मनाने का मौका मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दिया। निश्चित तौर पर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। एक तरीके से पहले ही 15 अगस्त से पहले एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है और जिस तक माहौल लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है उनके भी देखने को मिल रहा है, लगातार आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरीके से आज ऐतिहासिक फैसला निकल कर सामने आया है, तमाम जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनके भी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री